बाबा हमारे पास तो रॉड व्हीलर है ही नहीं, बस फियोना के बच्चे और वो है फियोना। कोई उन्होंने वीडियो देख ली होगी। आगे तो मुझे नहीं पता कहाँ करना है, जहाँ से आए उसको वहीं पे वापस भेजो। मेरी मौजूदगी में अगर ये कुत्ता यहाँ पे हुआ ना तो फिर तुम दोनों की भी खैर नहीं है और इसकी भी खैर नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। किसकी? डॉग को कुछ नहीं कहना भैया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो यार अब वहाँ पर सिप्तैन ना घास की कटाई कर रहा है, कुछ मैंने की है कुछ अब सिप्तैन करेगा। सिप्तैन ये घास जो है ना फिर जाके कैसे को खिला देना, अपनी प्यारी सी दोस्त को जाके खिला देना। ओके ठीक है। तुम्हारी दोस्त है वो? तुम्हारी है, मेरी नहीं है। कल उसने मुझे काटा था, अभी तक दर्द है मेरी उंगली में। पीछे वो फुटबॉल समझ के पीछे पड़ गई थी वो। खैर दोस्तों जैसी भी है, हमारी कैसी है, हम उसको अभी ना ये ताज़ा ताज़ा जाके घास खिलाएंगे, क्या पता उसके दिल में रहम आ जाए। चलो निकालो उसको, काफी है अभी उसके लिए इतना। ले चलो, तो अभी जाऊंगा यार मैं ये घास खिलाऊंगा अपनी प्यारी सी कैसी को, जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है ना। ऐसा है ना? बहुत ही अच्छी है, क्या बात है। सूखा घास खा रही है यार, ताजा खिलाओ। ओए होए, तुम्हारे लिए ताजा ताजा घास लाया हूं, जिसके लिए कल तुम मुझे मार रही थी ना, वो मैं तुम्हारे लिए तोड़ के आया हूँ। देखो मेरी मोहब्बत चेक करो, और इसकी नफरत देखे, नफरत देखे, अभी भी चीख रही है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए यार, किसी को भी इतना भी बेहिस नहीं होना चाहिए किसी को। ये तो मतलब ही यार, मुझे आज पता चल गया यार। नहीं है मतलब ही यार, देखो कैसे आ रही है, मेरी दोस्त है, उस दिन मेरे पास आई थी ना कैसे। अब पता चल गया, इसको भी यकीन हो गया कि मतलब ही है, मतलब ही है, मान लो ये चीज। देखो खा भी रही है और साथ में गुस्सा भी दिखा रही है, कितना बुरी बात है। तो आप कोई बात नहीं यार, जानवर है, इंसान थोड़ी ना समझेगी। कोई बात नहीं, कैसी तुमने जितना मारना है मार लो, हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। कल हमारे छुटकी छुटकू ना बाजरा खा रहे थे, आज देखिएगा ये घास खाएंगे। ये देखें कितने यार, हमारे डॉग से काम देखो यार, ये देखें पागल हो, घास खाते हैं कुत्ते वो तो खाते हैं, हमारे वाले नहीं खा रहे यार। देखो क्या हो गया, इतने भी वो देखो। नहीं नहीं उसने टेस्ट किया जब उसको अच्छा नहीं लगा, छोड़ो। अच्छा ये हम अपने मोरों को दे देते हैं, और सिपेन जाके चेक करो यार, मोरनी ने दूसरा अंडा दिया है। कहाँ पे दिया था? कहाँ पे? देखो इधर चेक करो और इधर मुर्गियों। चलो मैं देखता हूँ। सबसे पहले बदकों के घर में जाके देखता हूँ कि मोरनी ने यहाँ पे तो नहीं अंडा दिया। ये जगह बनी है ना नरम सी, इसमें देख लेता हूँ। थोड़ा एक अंडा है, ये मोरनी का तो नहीं लग रहा मुझे, ये तो छोटा सा अंडा है। ठीक है और देखो, और है अंडे? नहीं मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे एक अंडा था। ये वाला अंडा हमारी मुर्गी का अंडा है, छोटी वाली मुर्गी का। यार ये तो नहीं हो सकता कि इंडक्स में से किसी ने अंडा दे दिया हो। तुम पागल हो? नहीं अभी बच्ची है यार ये, क्या हो गया? अंदर जाके देखो, मोरनी ने अंडा दिया होगा यार, एक दिन की छुट्टी होती है उसकी, जल्दी देख के। मुझे मोरनी का अंडा चाहिए, जहां से भी लेके। ओके यार ओके, ये वाली मोरनी है यार, इसने अंडा दिया होगा। अंडा 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 अंडा, एक और अंडा मिला है तो अब, लेकिन ये भी किसी मुर्गी का अंडा है, छोटा सा अंडा है यार। मोरनी का अंडा नहीं मिला, वो बहुत बड़ा होता है, ये डबल अंडा है ना, जैसे दो है, इतना साइज होता है उसका। मुझे तो लगता है उसने ना यहाँ पर अंडा दिया होता, अब इसके अंदर जाके सिक्योर जगह पे, ताकि तुम उठाओ ना। अंडा ये है, कहाँ है? नहीं है, कल देगी। तुम्हें बताया उसने कल देगी? जानवर परिंदे मेरे दोस्त हैं यार, मुझे बताते हैं हर एक चीज। अच्छा आज दोस्तों हद से ज़्यादा गर्मी, और गर्मी में आपको पता है कि परिंदों जानवरों की देखभाल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, पानी का ख्याल रखना, गर्मी से बचाना। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी फियोना को देखने के लिए। फियोना बिल्कुल सिक्योर है, हमने फियोना के लिए ना कूलर पंखा लगाया हुआ है, जिससे फियोना को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। तो अभी जाते हैं फियोना के पास और देख लेते हैं सूरत हाल। हाँ फियोना कैसी हो तुम? हैं ठंडी ठंडी हवा खा रही हो, कूलर के बिल्कुल साथ बैठी हुई हो। फियोना तुम्हारे बच्चे ठीक है ना? बाहर आना चाहती हो क्या? चलो यार हम दरवाजा खोल लेते हैं, फियोना थोड़ी सी बाहर भी घूम लेगी। और मैं देखने आया हूँ अपने फियोना के बच्चों को, देखिए यार बिल्कुल ठीक है और फियोना मेरे पास आ रही है। ओए मेरा जूता कहाँ गया यार? हैं? मैं एक जूते से कैसे घूम रहा था यार? यार ये पड़ा हुआ है यार, दरवाजा जो ही खोला ना जूता ही गिरी मेरा। मुझे पता ही नहीं था। फियोना अंदर आओ, आ जाओ अंदर, बच्चों के पास जाओ। यार फियोना के बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और फियोना भी बिल्कुल हैप्पी है। फियोना थोड़ी सी खेल ले यहाँ पे, फिर मैं फियोना को बंद कर दूंगा। फियोना बाहर नहीं जाओ। ओहो फियोना किधर जा रही हो?
यार हद है यार। फियोना बाहर नहीं जाते, इसको कुछ नहीं कहना। फियोना फियोना नो, चलो अंदर चलो चलो शाबाश, अपने बच्चों के पास जाओ, इसको क्यों कर रही हो कुछ। फियोना साइड पे हो जाओ, ये फियोना के काम चेक करें यार। बाहर निकले, छोटे से पपी को मारने लग गई है। क्या हो गया यार, कितना क्यूट है, तुम्हारे बच्चों की तरह है, इसके पास क्यों आ रही हो इस तरह से अटैक करने के लिए। चलो भाई तुम भी भाग जाओ, मारेगी तुम्हें। जाओ जाओ फियोना, तुम घर चलो, शाबाश, आजो आजो आजो। यार फियोना ने बहुत ही बुरी हरकत कर दी, एक तो गर्मी है, दूसरा से ये मुझे अब तंग कर रही है। फियोना तुम्हें बाहर ना छोड़ता मैं, है चलो चलो अंदर चलो, शाबाश चलो। ओहो कहाँ जा रही हो फियोना। सिप्तेन सिप्तेन जल्दी आओ। नो नो फियोना, चलो चलो घर चलो। यार मैं इसको छोड़ दूं घर, फिर आपसे मिलता हूँ, क्योंकि एक हाथ से संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है मेरे से। चलो चलो घूम के जाओ। यार मैंने फियोना को वापस अंदर कर दिया है, अब इसका दरवाजा खोलते हैं हम, इसको अपने बच्चों के पास छोड़ देते हैं। तुम बच्चों के पास ही रहो भाई, वहाँ पर ही ठीक हो तुम। चलो अंदर जाओ, शाबाश गुड गर्ल। फियोना अपने घर में चली गई है अब, ठीक है यार, थका दिया इसने मुझे गर्मी में। तुम्हारा यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर फियोना ऐश कभी बाहर खुल गए ना अकेले में, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यार ये पपी तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए हमारी गली में घूम रहा है, तो एक दो दफ़ा मैंने इसको ना खाना दे दिया, जब मेरी नज़र में आते ना मैं इसको कुछ ना कुछ डाल देता हूँ, लेकिन अब ये पपी ना इधर ही रहता है ज़्यादातर, और यहाँ पर ये रहना पसंद कर रहा है। यार मुझे तो टेंशन हो रही है यार, इतना ज़्यादा पपीज है हमारे, हम इसको मिनी जू में भी नहीं रख सकते। अगर मिनी जू में रखेंगे तो फिर आपको पता है ऑलरेडी हमारे पास इतना डॉग्स हैं, आप भी कहते हैं कि यार आपके पास ज़्यादा डॉग्स हो गए हैं, तो इसको हम नहीं रख सकते। तो यार आजकल हमने ना रॉड को इस रूम में रखा हुआ है, और ऊपर देखें पंखा भी चल रहा है और सामने एसी भी लगा हुआ है, ताकि हमारे रॉड को गर्मी ना लगे। उधर तो फियोना के पास कूलर पंखा लगा हुआ है, उसको कोई गर्मी नहीं होती। यहाँ पर रॉड ना छत के ऊपर था, तो मैंने सोचा कि यार चलो जी इसको अच्छे से रूम में रखते हैं, अब इसको लेके जा रहे हैं मिनी जू में। चलो भाई, यार शयान की तरह बार बार मुझे कह रहे थे कि रॉड दिखाओ रॉड दिखाओ, उसको तो बुला के आओ। चलो बुलाते हैं इसको बंद कर। हाँ चल यार हम जाते हैं नीचे अभी, और फिर शयान को भी दिखाते हैं कि रॉड आ गया है, ये देखो भाई। तो ये रॉड को मैंने खोल दिया, और ये तकरीबन ऐसे 15-20 मिनट खेलेगा, और फिर हम इसको ना इसके घर में बंद कर देंगे, और ये रात इसी घर में स्पेंड करेगा। हम रॉड के इंशाल्लाह बहुत प्यारा सा घर बनाएंगे, ताकि हम रॉड मज़े से यहाँ पर रहे। और देखिए मेरे पास आ जाते हैं यार, मुझे बहुत क्यूट लगता है। इधर आ जरा देखो भाई मुझे, ये देखिए यार बहुत ही छोटा सा क्यूट सा नन्हा सा रॉड है हमारा। जाओ खेलो, जाओ भाग के जाओ, जाओ जाओ जाओ, मेरे पास नहीं आओ ना, सारा दिन तो रूम में रहे, अब खेलो ना तुम, जाओ। यार ये जब भी आते हैं मेरे पास आता है, अब गोद में आके ऐसे बैठ जाएगा। ये देखिए कितना फ्रेंडली है यार, मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है इसको ना खिलाने में, इसके साथ टाइम स्पेंड करने में। और मुझे बहुत सारे भाई कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि भाई आप रॉड को ज़्यादा टाइम दिया करें, ताकि रॉड आपका पालतू हो जाए, आप रॉड को जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना आपके करीब रहेगा। बहुत ही आपका शुक्रिया दोस्तों, आप मुझे बहुत अच्छे अच्छे मशवरे दे रहे हैं रॉड को कैसे संभालते हैं, कैसे टेक केयर करते हैं। तो मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, और उनको फॉलो करने की कोशिश भी करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। क्या रॉड देखना, रॉड वेलर आ जाओ प्लीज प्लीज। बड़ा हो बस, बड़ा हो नहीं, वो जितना है उतना ही होगा, अब एक दिन में बड़ा तो नहीं होगा वो। कर शान भी आया है, कहते रॉड वेलर दिखाओ, आपने नहीं देखना, अभी तो आओ ना, चलो दोनों देखते हैं, ये हैं? चलो जल्दी सर, चलो 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 चलो, हाँ आ जाओ, तो आप दिखा दो यार, शान ने देखना है रॉड वेलर, और मशाइम ने भी, आ जाओ भाग के। कॉल आ रही है, थोड़ा एक मिनट, किसकी? ये पकड़ो उसको, क्या कहते हैं पता नहीं, पता तो नहीं। हेलो वालेकुम सलाम, पता तो नहीं, कैसे हैं? ठीक हैं, कब आ रहे हैं वापस? बताओ ये मेरे पीछे क्या कुछ कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हैं? मैं 2 दिन के लिए इस्लामाबाद क्या हूँ, मैं 2 दिन के लिए इस्लामाबाद क्या रही हूँ, तुम लोगों ने रॉड वेलर ले लिया मेरे पीछे, आपको पता चल गया यानी कि? वीडियो तो आ रही है ना तुम्हारी, आखिर मैं भी इस दुनिया में रह रहा हूँ ना, मुझे भी नोटिफिकेशन आते होंगे तुम्हारे भी नॉट से। तुराब से बात करें भैया, तुराब से, मुझे नहीं पता, तुराब से बात करें। तुमने दिलवाया उसको, मुझे पता है तुम्हारी ये सारी हलालत है। मैंने क्या किया भैया? कुछ नहीं किया, हमारे पास तो बस फियोना के बच्चे और वो है फियोना। शयान क्या कह रहे हैं? शयान बेटा तुम चुप करो, मैं जरा इनसे बात कर लूं। भैया तुराब मेरी बात सुन रहे हो? जी जी बोले भैया। गायब होना चाहिए, मतलब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, ये बता रहा हूँ। गायब कहाँ करें भैया, अब तो आ गया है। आ गया तो मुझे नहीं पता कहाँ करना है, जहाँ से आए तो वहीं पे वापस भेजो, मेरी मौजूदगी में अगर ये कुत्ता यहाँ पे हुआ ना तो फिर तुम दोनों की भी खैर नहीं है और इसकी भी खैर नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। किसकी? डॉग को कुछ नहीं कहना भैया, दोनों
आपके साथ डॉग की तरह वाला आचरण करूंगा ये मैं बता रहा हूँ भैया। बहुत ही फ्रेंडली है, कुछ नहीं कहता। हमने आपने देखा तो है कितना तो क्यूट पपी है ये। नहीं होगा, नहीं होगा। एक मिनट बात सुने, बात सुने। हाँ श्यान, कुछ कहना चाहते हैं आप? उन्होंने वीडियो देख ली होगी। अल्लाह हाफिज। बस मुझे क्यों मार रहे हैं? अब कोशिश क्या करते हैं, अब कहाँ करेंगे हम? कुछ सोचते हैं। मैं तो काम कर, उन्होंने कल आने ना, कल आ रहे हैं वो सुबह। भाई यार वहाब भैया, आपके सामने जो जो बात हुई आपने सारे को सुन लिया। भैया आ रहे हैं कल, अब हमारे लिए टेंशन बन रही है। ये यार कितना मासूम है, क्या आइडिया बताओ इसको? नहीं इधर नहीं रख सकते, कब कब तक छुपाएंगे इस कुएं में? अब बताओ क्या करें चाचू? इसको ना उधर छुपा दो, उधर भी देख लेंगे। तुम बताओ तुम्हारे ध्यान में क्या है? आप छुपा नहीं सकते ही, इसको लेके जाना पड़ेगा कहीं पे। वो अब समझते हैं कि मैंने जो बोला था ना, इन्होंने मेरी बात क्यों नहीं मानी। अब वो इस चीज पे आ गए हैं कि मेरी बात क्यों नहीं मानी। बड़ा भाई होता हूँ, मेरी बात तो माननी चाहिए इनको। अना का मसला हो गया। हाँ जी, ईगो 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 आ गई है। अब क्या करें? अब मुझे नहीं पता, तुम जानो भाई, मैं नहीं कुछ समझ सकता। लेकिन अब क्या करें, रॉड को बचाना तो भी है ना। ये भी ऐसे टेंशन हो रही है मुझे अपने पपी की। तो हमारे रॉड का दोस्तों खाने का टाइम हो गया है, हम अपने पपी को खाना दे देते हैं। बस यार टेंशन बन गई है अब। वहाँ भैया काश इस तरह से ना करते हमारे साथ, पता नहीं क्यों हो गया ऐसा। यार सिप्टन दरवाज़ा खोलो जल्दी, बाहर निकालो, बाहर गिर जाएगा नीचे। चलो मैं कैच कर लूं। यार गिर जाएगा। चलो आ जाओ रॉड, शाबाश, खाना खा लो। ये देखें यार चाची, बहुत ही मजे से खाता है ये वाली डाइट। आपने खानी है? मैं कोई डॉग हूँ? नहीं फिर। चलो भाई शाबाश, अपने घर जाओ, आपने खाना खा लिया है, जाओ शाबाश। तो यार हमारे रॉट ने खाना खा लिया है और अब हम ना घर जाते हैं। शयान आपने ना स्पेशली बाबा को कॉल करनी है। बाबा से ना आपने बात सुनो, जिद करनी है, रोना है बाबा के सामने कि रॉट मुझे पसंद है। जैसे आप अपनी क्यूटी के लिए नहीं रोते थे, वैसे रॉट के लिए रोना, आपके बाबा आपकी बात मान लेंगे। ठीक है पक्का, फोन पे यही बोलना है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। बस यार आपने दुआ करनी है और प्लीज आप सब ना वहाब भैया को बोल दे जाके के रॉड की इजाजत दे दें। और कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो वहाब भैया को स्पेशली जाके मैसेज करते हैं, आपके भाइयों ने ना रॉड ले लिया है, आपको पता भी नहीं है। ये सारा कुछ मैं पढ़ता रहता हूँ, तो प्लीज काइंडली ऐसा ना किया करें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।